रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गाँव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। जी दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास, आज खास मेहमान और एक खास टॉपिक पर होगी बातचीत। जब भी हम विजुअली इम्पेयर्ड हुए हमने एक गेम जरूर खेली होगी, चाहे वो आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, चाहे आज। एक ऐसी गेम जो ब्लाइंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइटेड के साथ भी खेलता है, खेलता ही नहीं है, कंपीट करता है, मेडल जीतता है। लेकिन क्यों उस जो गेम का क्रेज अब कम हो रहा है, जिसने हजारों लाखों लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, एक ये विश्वास दिया कि हम साइटेड के साथ भी इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड पर कंपीट कर सकते हैं, क्यों गवर्नमेंट इस गेम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, जबकि भारत में यह रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा टूर्नामेंट इसी गेम के हुए हैं और इसी में मेडल जीते हैं। वर्ल्ड लेवल पर भी सबसे ज्यादा मेडल इसी गेम में लोगों ने जीते हैं, मैं बात कर रहा हूं विजुअली इंपेयर्ड। उसके बावजूद क्यों गवर्नमेंट किसी तरह का कोई प्राइज नहीं देती, अभी तक इस गेम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इस पर डिटेल्ड बात करेंगे। लेकिन एक और चीज है क्यों हम ये शो कर रहे हैं, वो है कि बेंगलोर में पहली बार एशिया में, यूरोप के बाहर, वर्ल्ड जूनियर एंड वीमेन चैंपियनशिप करवाई जा रही है, जिसमें भी भारत बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है और ये गौरव भी हासिल हुआ है यूरोप के बाद भारत में करवाने का। इस सबके पीछे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने बहुत लंबे अरसे से अपनी लाइफ को डेडिकेट किया स्पोर्ट्स के लिए, वो है चारुदत्ता जी, जो फाउंडर है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। आज हम बात कर रहे हैं चेस की, बात करेंगे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और गवर्नमेंट के ढीले रवैये के बारे में, क्यों चेस को रेकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, क्यों उन प्लेयर्स को वो तमाम सुविधाएं या प्राइज मनी नहीं दी जा रही जो बाकी स्पोर्ट्स में दी जा रही है, क्यों एनकरेजमेंट बहुत कम है। चारु सर बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Yeah, namaskar Danish ji, and it's my pleasure and thank you for having me here and giving this opportunity to talk to you. सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, और बड़ा प्राउड फील होता है जब भी आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि किस तरह आप मेहनत करते हो और किस तरह से उस टाइम पे भी जब अवेयरनेस बहुत कम थी तो आपने चेस के जो लेवल को बहुत ऊंचा इंडिया में किया था, हर स्टेट में आपके कंपटीशन होते थे, आज भी हो रहे हैं, 800 से ज्यादा आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो कितनी बड़ी मूवमेंट है आपके लिए यूरोप से पहली बार वर्ल्ड जूनियर और वीमेन चैंपियनशिप को इंडिया में लाना, और किस तरह के चैलेंजेस आपको आए इसको लाने में? एक्चुअली एक बहुत प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए और पूरे ब्लाइंड चेस के लिए और अपने कंट्री के लिए। ये चेस, ब्लाइंड चेस डोमिनेटेड है स्पेशली बाय यूरोपियन कंट्रीज। 1958 में इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन, जो वर्ल्ड की अपेक्स चेस बॉडी है,
वो इस्टेब्लिश हुई, जो रिकग्नाइज हुई फिडे से, फिडे जो वर्ल्ड की साइटेड की चेस बॉडी है, और अभी 90 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और 1958 से सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप, चेस ओलंपियाड जो टीम चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड जूनियर, वर्ल्ड वुमन, उसके बाद वर्ल्ड कप, ये सारी इवेंट्स नॉर्मली यूरोप में हुई है, सिर्फ कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने अपने कॉन्टिनेंट में होती है। तो ऐसे कोई टूर्नामेंट यूरोप के बाहर लाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो उस स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और अनफॉर्चुनेटली शुरू शुरू में जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड जूनियर सॉरी वर्ल्ड इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हम लोगों ने 2006 में की थी, तभी इतना तकलीफ हुआ था हमें। 2002 में हम लोगों ने बीट किया था, तो हमें कमेंट्स मिले थे कि इंडिया एशिया विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड विच हैज बीन मेंटेन्ड बाय यूरोप। सो इट वाज बेसिकली आई कंसीडर दिस एज एन इंसल्ट टू आवर कंट्री। और वो एक वो बीड़ा उठाया कि हम लोग शो करेंगे कि वी आर नॉट फार बिहाइंड, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2002 टू डेमोन्स्ट्रेट अवर कैपेबिलिटी। 2003 में हम लोगों ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप किया, वर्ल्ड बॉडी के प्रेसिडेंट को इंडिया में बुलाया, उनको हमारी कैपेबिलिटी दिखाई, और वो कैपेबिलिटी देखने के बाद उनको भी लगा कि इस गेम को स्प्रेड करना है तो बाकी कॉन्टिनेंट में होना चाहिए, और इंडिया में वो कैपेबिलिटी है। 2006 में हम लोगों ने फर्स्ट 9th इंडिविजुअल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जो इंडिविजुअल की सबसे बड़ी इवेंट है, चार साल में एक बार होती है, एंड विनर इज क्राउन एज दी ब्लाइंड का वर्ल्ड चैंपियन, हम लोगों ने गोवा में ऑर्गेनाइज की। उसका एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा कि एंड ऑफ द इवेंट IBCA के प्रेसिडेंट ने फंक्शन में बताया कि दिस वाज द बेस्ट ऑर्गेनाइज इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंड चेस। तो हम लोगों ने सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं की वो टूर्नामेंट, हम लोगों ने इस तरीके से ऑर्गेनाइज की कि सारे यूरोपियन को भी लगा कि इससे अच्छी टूर्नामेंट इसके पहले कभी हुई नहीं। So we basically took that ambition to ensure that, you know, the respect and honor of our country doesn't get compromised. और वो जर्नी फिर कंटिन्यू हुई। 2012 में हम लोगों ने जो ओलंपियाड किया, और अभी ये वर्ल्ड जूनियर और वर्ल्ड वुमन की टूर्नामेंट हमें मिली, इसके लिए भी दो तीन अलग कंट्रीज ने बीड किया था, बट अपना इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड, इंडिया का स्टेटस अभी वर्ल्ड चेस में देखे, टूर्नामेंट हमको अलॉट हुआ। चैलेंज यही था कि प्लेयर्स फ्रॉम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, प्लेयर्स फ्रॉम यू नो नॉर्दर्न साइड ऑफ यूरोप वगैरह, उनको ट्रैवलिंग एंड ऑल दोस वर लिटिल डिफिकल्ट, प्लस दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण बहुत सारे कंट्रीज के पार्टिसिपेशन को थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, बट वर्ल्ड के सारे टॉप प्लेयर्स इसमें आए हैं। वर्ल्ड की जो 9 टाइम वुमन चैंपियन है यूक्रेन की, शी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग हियर, इफ शी वंस विन हियर इट विल बी अ रिकॉर्ड, 10 टाइम शी विल बी विनिंग। सो देर आर 8 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग विद 32 प्लेयर्स, ऑल टॉप प्लेयर्स ऑफ जूनियर एंड वुमन आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। ये हम लोगों ने चांसलरी पेविलियन, एक फाइव स्टार होटल है बैंगलोर में, वहाँ किया है। ऑल स्टैंडर्ड्स विच वी हैव मेंटेन, एंड इनफैक्ट वी आर गिविंग मच मोर देन व्हाट यू नो एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट वी गेट। हम लोगों ने प्लेयर्स को एक दिन छुट्टी दे के उनको साइट सीन के लिए लेके गए थे। सो वी डिड एवरीथिंग टू शो दैट इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट होस्ट, एंड टूर्नामेंट इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग। तीन दिन बाकी हैं अभी। तो ये बताएं कि कितनी कंट्रीज अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इंडिया की पोजीशन कहाँ है। हमने देखा है कि जो मेंस हैं, जो यंगस्टर्स हैं मेल में, वो तो चेस में बहुत अच्छी है इंडिया में। वीमेन में वो स्टैंडर्ड हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, वो कंपटीशन अचीव नहीं कर पाए हैं। तो कैन यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और बता सकते हैं कि विमेन में कहां हम स्टैंड करते हैं अभी? कंपेयर टू जूनियर, वुमन का स्टैंडर्ड एट वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा पीछे है। उसके रीजंस भी हैं, एज वी नो दैट जब हम लोग डेडिकेटेड वुमन के नेशनल चैंपियनशिप भी करते हैं
उनके कोचिंग कैंप भी करते हैं, लेकिन है ना उनके पेरेंट्स, उनके स्कूल्स, उनकी एनजीओस लड़कियों को भेजने के लिए थोड़ी कतराती है, लड़कियां भी थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो ये थोड़ा जो सोशल बैकग्राउंड अपने इंडिया में है, थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स आता है, लेकिन अभी चेस में गर्ल्स को काफ़ी कॉन्फिडेंट है, उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 15-16 साल से डेडिकेटेडली हम लोगों ने वुमेंस के लिए सारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं, और इसलिए अभी हमारे प्लेयर्स का स्टैंडर्ड भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है वुमेंस का भी। एंड होपफुली इफ यू सी दिस टाइम आई थिंक वी मे कम इन टॉप 5 और 5 टॉप 6 ऑल्सो, इवन हमको मेडल नहीं मिला तो। तो ये जो सोशल बैकग्राउंड के कारण जो तकलीफ होती है उसके कारण हमको स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है। वी ट्राई एंड गो टू एंड गिव ट्रेनिंग इन देयर हाउस, और अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया है तो हम लोगों ने डेडिकेटेड कोच किए हैं, वी ट्राई टू हैव कोच लेडीज कोच फॉर लेडीज, तो ये सब कुछ हम लोगों ने एफर्ट्स लिए हैं एंड दैट हेल्प्स बेसिकली इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड। जूनियर यस आपने सही कहा, क्योंकि जूनियर में हम लोगों ने 2006 से स्पेशलाइज्ड फोकस स्टार्ट किया था, चेस इन स्कूल एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें बहुत सारे स्कूल्स में हम लोगों ने चेस इंट्रोड्यूस किया, सिखाने को शुरू किया। दो उसके बाद टैलेंट डेवलपमेंट 2010 में लाया, जिसमें टॉप 30 जूनियर प्लेयर्स को हम लोगों ने सिलेक्ट करके 2 साल का डेडिकेटेड कोचिंग उनको दिया, ब्रिंगिंग देम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। नाउ वी हैव प्लेयर्स इवन अंडर 9 और अंडर 8 हु आर प्लेइंग सो स्ट्रॉन्ग, वो हमारे टॉप सीनियर प्लेयर्स को भी डिफीट करते हैं। तो ये टूर्नामेंट में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। ऑफकोर्स रशिया, पोलैंड, यूक्रेन के जो प्लेयर्स हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अभी देखेंगे तो आप हमारे जो जॉन है ही इज बेसिकली प्लेइंग ऑन टॉप बोर्ड, जो नंबर 1 सीडेड प्लेयर है उसके साथ उसका गेम चालू है आज। और सिमिलरली हमारी मेगा जो नेशनल चैंपियन है वो भी वुमन के टॉप प्लेयर के साथ आज खेल रही है। आउट ऑफ 5 राउंड्स दे आर एट 0.3, सो परफॉर्मेंस इज गुड। नाउ इम्पॉर्टेंट इज दे नीड टू यू नो मैनेज देयर नर्व्स, बिकॉज लास्ट 2-3 राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जो एक प्रेशर होता है मेडल विनिंग का, वो प्रेशर बहुत बार प्लेयर्स को अपना बेस्ट देने के लिए, तो अलॉन्ग विथ द स्किल्स जो दी मेंटल स्ट्रेंथ एबिलिटी टू बी काम ड्यूरिंग दैट क्रंच सिचुएशन, ऑल दिस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम लोगों ने प्लेयर्स को योगा के सेशंस भी करवाए हैं, वो सब किया है। सो होपिंग फॉर यू नो बेटर रिजल्ट फ्रॉम इंडिया इन दिस इवेंट, बिकॉज वर्ल्ड जूनियर में और वर्ल्ड वुमन में अभी तक हमको मेडल्स एक भी मिले नहीं है। हम लोगों ने ओलंपियाड में बहुत सारे मेडल्स मिलाए हैं, इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स मिलाए हैं, बट वर्ल्ड जूनियर और वर्ल्ड वुमन में अभी तक मेडल नहीं है। होपफुली दिस टाइम वी विल हैव अ मेडल। दानिश, एज ए ऑर्गेनाइजर आर यू सेटिस्फाइड जिस तरह से आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, जो लोग आए हैं उनके क्या एक्सपीरियंस है, और इस जो चैंपियनशिप को क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है, क्या फंडिंग से रिलेटेड इश्यूज आपके रिजॉल्व्ड हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है? आई विल आंसर दिस, यस वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड। इफ यू लुक होलिस्टिकली, आप देखोगे टेक्निकली जिस तरीके से हम लोगों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इवन साइटेड टूर्नामेंट को हम लोग उसको मैच करते हैं, इवन समटाइम्स वी आर मच मच बेटर इन ऑर्गेनाइजिंग द टेक्निकल पार्ट। हम लोग गेम्स को लाइव कर रहे हैं इंटरनेट पे, टॉप 3 बोर्ड्स वुमेन्स के टॉप 3 बोर्ड्स इसके लाइव दिखा रहे हैं हम लोग। दिस इज ऑल्सो यूनिक इन ब्लाइंड चेस, बाकी कंट्रीज वर्ल्ड में लाइव गेम्स नहीं दिखाती है, बट इंडिया ने ये स्टार्ट किया था 2012 ओलंपियाड में, अभी भी हम लोग गेम लाइव दिखा रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट आप देखोगे तो उसमें वी फील दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट। प्लेयर्स का आप प्लेयर्स से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेइंग कंडीशंस जो उनको दी गई है, स्टेइंग कंडीशंस उनको दी हैं, फूड वी हैव टेकन केयर ऑफ द फूड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो उनके कंट्रीज के फूड्स, सम पीपल लाइक इंडियन फूड्स, तो ऑप्शंस आर
गिवन टू देम. सो प्लेयर्स को ऐसे कहां भी कमी दी नहीं है, क्योंकि उनको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उनको जो बेस्ट हम लोग एनवायरनमेंट दे सकते हैं उनको हम लोगों ने दिया है, उसको हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. जो जहां हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है वहां दो तीन एरियाज हैं. एक, बहुत कम लोग आप जैसे होते हैं जो पैशनेट होते हैं, खुद एक कॉज के लिए कमिटेड होते हैं और उनको दिल से लगता है कि ये लोगों तक पहुंचे, अवेयरनेस क्रिएट हो और जो भी एफर्ट्स इंडिया में हो रहे हैं उसको उसका ड्यू रिकग्निशन और क्रेडिट मिले. लेकिन वैसा सपोर्ट मीडिया का ये इवेंट को मिला नहीं है. कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप मिली नहीं है. हम लोग सिर्फ 1/3 ऑफ द ओवरऑल बजट रेज कर पाए और 2/3 अमाउंट हम लोगों ने हमारे कॉर्पस से डाला है. जस्ट बिकॉज कि हमको सफिशिएंट स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है तो हम लोगों ने फैसिलिटीज में कहीं भी कम नहीं किया है. बिकॉज इट्स नेम ऑफ आवर कंट्री इन्वॉल्व, ब्रांड ऑफ आवर कंट्री इन्वॉल्व, तो हम लोगों ने हमारे ओन रिसोर्सेस डाल के ये इवेंट को किया है. तो कॉर्पोरेट सपोर्ट हमको उस तरीके से मिला नहीं है. एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दिया नहीं इस इवेंट को. और टूर्नामेंट ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है. जो मिनिस्ट्री ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हमको अप्रूवल दिया, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने भी उनका अप्रूवल दिया, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने वीजा के लिए सपोर्ट किया. तो वो सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला हमको स्पेशली फॉर दिस टूर्नामेंट. बट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला नहीं. वी आर एक्सपेक्टेड दैट यू नो द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्पेशली स्पोर्ट्स मिनिस्टर शुड हैव बीन हियर और एटलीस्ट फाइनल फंक्शन को हम लोगों ने इन्विटेशन भी भेजा था, बट अभी तक उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है. तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे तो बहुत फील होता है कि इस गेम ने लास्ट 27 साल में क्रैच से, यानी हम लोग ने एक सारे ब्लाइंड लोगों ने मिलकर ये जर्नी स्टार्ट की थी. कोई हमारे साथ, कोई बड़े कॉरपोरेट या बड़ी इंडिविजुअल हस्ती हमारे साथ नहीं थी. और आपको भी पता है कि कितना ग्रास रूट लेवल से हम लोगों ने इस गेम को स्टार्ट किया और आज इंडिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग चेस प्लेइंग नेशंस है. 40+ मेडल्स हम लोगों ने ओलंपियाड और इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलाए हैं. एशियन पैरा गेम्स में भी इंडोनेशिया और चाइना में हम लोगों ने मेडल्स मिलाए हैं, 5 और 8 वन ऑफ द टॉप मेडल्स टैली इन वन गेम्स. तो इतना सब करने के बाद भी हमको ये सपोर्ट जब नहीं मिलता है तो थोड़ा दुख होता है. मेरा पर्सनल बिलीव था, क्योंकि मैं 35 ईयर्स से ब्लाइंड चेस को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरा एक प्रिंसिपल और वैल्यू था कि इफ वी कंटिन्यू डूइंग गुड टुडे और टुमारो पीपल विल रिकग्नाइज एंड पीपल विल कम फॉरवर्ड. बट मेरा ये बिलीफ अभी रिसेंटली है ना शेक होने शुरू हुआ है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल गेट सपोर्ट. टुडेज वर्ल्ड इज द मार्केटिंग वर्ल्ड. एग्जैक्टली. और मैं अभी स्लोली स्लोली मेरा खुद का प्रिंसिपल्स को अभी चेंज करने का टाइम आया. ऐसे लग रहा है कि जितना हम लोग एफर्ट्स कॉस्ट के लिए देते हैं, इक्वल एफर्ट्स हमको मार्केटिंग के लिए देना चाहिए. क्योंकि जब तक आपको मार्केट नहीं करोगे, आपका ब्रांड आप लोगों के तक नहीं जाओगे, लोग उसको रिकग्नाइज नहीं करते. इट इज अगेंस्ट माय ओन प्रिंसिपल्स, बट दैट इज व्हाट दी टुडेज वर्ल्ड. तो आई थिंक वी विल स्टार्ट डूइंग दिस, बट फॉर उसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है. मुझे सिर्फ एक दुख है, मनी इज अ सेकेंडरी थिंग फॉर अस. हमारे प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट 25 साल से, इंडिया के फ्लैग के अंडर खेलते हैं. जब हमको मेडल्स मिलता है तो इंडिया का नेशनल एंथम वहाँ प्ले होता है, इतना प्राउड मोमेंट होता है. मैंने खुद, मेरे आंखों से आंसू आते हैं जब मैं जाके देखता हूँ कि हमारे प्लेयर्स ने वो मेडल्स मिलाए हैं. मैं खुद भी मेडल विनर था 98 में. बट जब वही प्लेयर्स इंडिया में वापस आते हैं ओलंपियाड और वर्ल्ड जूनियर और वर्ल्ड नेशनल इंडिविजुअल स्केल के, तो उनको वो स्पोर्ट्स स्टेटस मिलता नहीं है. उन अवार्ड्स के लिए वो टूर्नामेंट्स को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है. स्पोर्ट्स कोटा में जॉब के लिए उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है. तो इतना सब हमारे प्लेयर्स ने कंट्रीज के लिए किया है और उसके बाद भी दे डिप्रॉयड देयर ड्यू रिकग्निशन, उस बात की सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है. अफकोर्स हमारे प्लेयर्स जब पैरा ओलंपिक को गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडोनेशिया में चेस को इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारे प्लेयर्स वहाँ गए तो जस्ट बिकॉज वो पार्ट ऑफ पैरा गेम्स, हमारे प्लेयर्स को रिकग्निशन मिला. बट पैरा गेम्स से चेस का ओलंपियाड, जहाँ
60 से ज्यादा कंट्रीज खेलते हैं, इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप जहाँ 60 से ज्यादा कंट्रीज खेलते हैं, दैट दोज आर दी बिगेस्ट टूर्नामेंट्स विच हैज बीन रिकॉग्नाइज बाय फिडे, और वो टूर्नामेंट को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, गवर्नमेंट के जीआर में चेस का नाम नहीं है ब्लाइंड के, तो हमारे प्लेयर्स अभी आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट कम होने लगा है, उनको लगता है कि हम लोग बाकी स्पोर्ट्स खेलें और स्पोर्ट्स को छोड़ दे, ऐसे भी मुझे लोगों के बहुत सारे फीडबैक आए, वी आर परस्यूइंग अवर टैलेंट, वी हैव एक्सलेंट एंड ह्यूज टैलेंट स्पेशली इन चेस इन इंडिया, इफ वी कंटिन्यू गिविंग अ राइट एनवायरमेंट, कंटिन्यू गिविंग देम सपोर्ट, आई विल टेल यू दिस गेम हैज अ कैपेबिलिटी, द इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड वर्ल्ड ऑल्सो, एंड वेरी सून वी कुड बेसिकली गेन दैट टॉप पोजिशन विच इज अवर एम्बिशन, बट ये सिर्फ हम लोग या ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड इनके एफर्ट से नहीं होगा, एवरी स्टेक होल्डर विच इज इन्वॉल्व इन दिस हैज टू प्ले देयर पार्ट, और हम लोग ये बेग नहीं करते, आई थिंक इट्स बेसिकली डिजर्व दिस, अवर प्लेयर्स डिजर्व दिस, एंड आई थिंक टूडे टूमोरो गवर्नमेंट नीड्स टू टेक दिस नोट एंड यू नो गिव दैट ड्यू रिकग्निशन टू अवर प्लेयर्स, ऑल अवर ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप नीड्स टू बी रिकग्नाइज एंड प्लेयर्स शुड गेट देयर ड्यू रिकग्निशन थ्रू अवार्ड्स and you know all those other what government basically gives to all other sports which we should get, and this game has that unique the relevance that is the only game where blind person play at par with sighted, to hamare players jab sighted mein jaake khelte hain tournament wo ek same level pe hota hai, koi rules mein change nahi hote hain ki just blind hai isliye unko ye consideration karo wo consideration karo, nahi hamare players ke international ratings same rules se milte hain, हमको जो जो फिडे मास्टर इंटरनेशनल मास्टर ग्रैंड मास्टर टाइटल अचीव करना है तो हमको वही क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, वो साइटेड प्लेयर्स को करना पड़ता है, ये ऐसा आपको इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म और कोई भी स्पोर्ट्स में मिलेगा नहीं जो ये चेस में है, और इसलिए ये चेस को हमको प्रमोट करना चाहिए बिकॉज इट गिव्स दैट सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट वी आर इक्वल, एंड दैट कॉन्फिडेंस लॉट ऑफ ब्लाइंड चेस प्लेयर्स हैव टेकन in their personal life and professional life. If you see, lot of blind players are very, very successful in their professional career also because that belief that ki hum log ek game mein country ke aur world ke top sighted players ke sath compete karke unko hara sakte hain, to hum log life mein kuch bhi kar sakte hain. So government should understand this relevance, understand the specific aspect of this game beyond sports. And you know support this game going forward because हम लोगों ने vision रखा है कि next 5 साल में we wanted to be in top 3 and next 10 years we wanted to be number 1 dislodging the supremacy of Russia. बहुत सारे initiatives हम लोगों ने start किए हैं, technology initiatives उसके साथ very innovative strategic initiatives, but all this could be scaled only if we get right support and players will have that right mindset. To positive mindset जो अभी थोड़ा थोड़ा shaken होने को शुरू हुआ है, so now there is a time, means the if you don't do now I think it will be never, so government and corporate should come forward and even media should basically start talking about this, the achievements is done by blind chess in last 27 years. बिल्कुल, और ये बड़ी important सब बातें आपने कही हैं और इन पे मैं थोड़ा सा समय बिताना चाहता हूँ आपके साथ, और दुख आपको नहीं होता जब इस लेवल पे प्लेयर जीतते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत रहती है तो हर किसी को इस कम्युनिटी में दुख होता है कि सबसे पुरानी गेम सबसे वाइब्रेंट गेम उसको आप इस लेवल पर लेके आए हैं और फिर रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जब मेडल जीत के आते हैं तो वहाँ होता कोई नहीं है वेलकम करने को, तो ये सारी चीज़ें हमें भी विचलित करती हैं, और मैं ये जो बदलता दौर शो है ना चारू जी, ये शायद इकलौता शो इंडिया में होगा जहां गुणगान नहीं होता किसी का, बहुत कम पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन आई टेल यू यू आर ट्रूली वन ऑफ देम, कि आप डिजर्व करते हैं क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले से देखा है द वे यू वर्क, जिस तरह से चेस फेडरेशन ने इंडिया में काम किया है. सर मैं थोड़ा सा जो चीजें आपने कही हैं उन पर मैं समय बिताना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा मैं ये शुरू करता हूँ. डू यू बिलीव कि चारू सर He is a great organizer. Chess को बहुत आगे ले गए, लेकिन chess की advocacy में जैसे आप खुद बता रहे हो कि recognition नहीं मिली, it's been I think
30-40 साल हो गए आपको इस फील्ड में, 30 साल के आसपास इस फील्ड में? हाँ 34 ईयर्स हो गए मुझे। हाँ, तो क्योंकि 20 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो एज ए एडवोकेट यू फेल्ड आपकी इंडिया में इसको रिकॉग्निशन दिलाने में, गवर्नमेंट को इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व करने में। क्रिकेट बहुत बाद में आया, हालांकि उसको बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उसको कॉर्पोरेट सपोर्ट तो काफी है जिस तरह से हम देखते हैं। पैरा के ऊपर गवर्नमेंट का शिफ्ट बहुत हुआ है, जबकि पैरा में जब चेस थी उस टाइम पे हमारा कोई मेडल नहीं आता था, बहुत कम था, ना के बराबर थे, उसको सपोर्ट कर रही है। इसमें व्हाई डिड मिस्टर चारू फेल्ड? मैं वेरी ऑनेस्टली बोलता हूँ और आपको एग्री करता हूँ कि आई विल कंसिडर दिस एज अ माई फेलियर। मैंने लीड किया है, ऑफकोर्स देयर इज अ बिग टीम हु हैज अराउंड मी, जो ब्लाइंड चेस प्लेयर्स हैं, सब कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ये पूरा एक फैमिली मिलके हम लोगों ने इसको ड्राइव किया। बट जो भी थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मतलब आपसे मतलब आपसे नहीं है, आपसे मतलब पूरा सेक्टर है हमारा सेक्टर, ब्लाइंड सेक्टर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, नो आई विल टेक दैट, सो नो बिकॉज़ व्हेन चेस डज वेल आई गेट लॉट ऑफ क्रेडिट, सो आई थिंक जहां भी फेलियर है आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, विच आई एग्री। जो अचीव जो हम लोगों ने किया है, हम सब ने मिलकर किया है, बट जो फेलियर है वो फेलियर है और मैं मानता हूँ। और उसका रीजन मैं आपको एक बोलता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ, पर्सनल वैल्यू सिस्टम और पर्सनल प्रिंसिपल्स जो मैंने मेरे लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, स्पोर्ट्स में, मेरे प्रोफेशनल करियर में या पर्सनल लाइफ में। आपको पता है कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने मेरी जर्नी एक टेलीफोन ऑपरेटर करके स्टार्ट की थी और आज मैं एक साइंटिस्ट हूँ, 51 पेटेंट्स मेरे हैं, TCS जैसे बड़े कंपनी में मैं एक रिसर्च हेड करता हूँ। ये पूरी जर्नी आप देखोगे, लेकिन एक ही फिलोसॉफी से मैंने फॉलो किया था कि व्हाट इज इन आवर हैंड वी नीड टू कीप डूइंग अ गुड वर्क, एंड व्हेन पीपल सी दैट यू नो दिस ग्रुप, दिस टीम, दिस इंडिविजुअल इज ऑनेस्टली डूइंग वर्क फॉर अ कॉज और अ पर्पस, आई थॉट दैट पीपल विल स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड वंस दे सी दैट जेन्युइनिटी, दैट ऑनेस्टी एंड the accomplishment, whatever we achieve, and then वो कारवा बढ़ेगा और आगे जाएगा। Unfortunately, ये मेरा belief और ये shaken हुआ especially last 5-6 साल में बहुत ज़्यादा, कि जैसे आपने कहा कि क्रिकेट 7-8 countries खेलते हैं, 2 ही countries top में always रहते हैं, but उस game को मिलता है, I respect cricket, I personally played, कोई भी गेम को मैं अंडरमाइन नहीं करता हूँ, बट नहीं मिला क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट के, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कॉर्पोरेट के पास गए नहीं है या हम लोग गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट को रिकग्निशन के लिए 2004 से लेटर लिखा है, 98 में पहले लेटर लिखा, 2004 में, 2006 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर फाइनल फंक्शन को आए थे उस वक्त मणिशंकर अय्यर, 2012 ओलंपियाड में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अजय माकन जी आए थे, एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज्ड, वी आर सीइंग दोस एवरीथिंग कि दैट दिस गेम नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, काफी करस्पोंडेंस हम लोगों ने गवर्नमेंट से किया, बट गवर्नमेंट का रिस्पांस यही था कि वन गेम वन फेडरेशन फेडरेशन एंड वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंड दे पुट अस अंडर दी साइटेड चेस हैज देयर ओन प्रायोरिटीज, सो वो हमें कभी मिला नहीं, कॉर्पोरेट से भी यू नो रेगुलर सपोर्ट हमको मिला नहीं। ऑफ कोर्स हम लोग भी कम पढ़े क्योंकि मेरा जैसे प्रोफेशनल करियर आगे गया, मेरा टाइम गिवन टू यू नो सच एक्टिविटीज आल्सो रिड्यूस, हेल्थ वाइज लास्ट 2 साल में मुझे बहुत तकलीफ हुई, उसका भी इम्पैक्ट हुआ, बट लुकिंग एट व्हाट दिस गेम हैज डन कंपैरेटिवली यू नो support should have been much more than what we are today getting. So हम लोग fail इसके कारण हुए क्योंकि you know आज के दिन में है ना, आप कितना अच्छा काम करते हैं जितना important है उतना ही important है आप कितना अच्छी तरह उसको market करते हैं। Today is the world of marketing. मैं उस पे भी आऊँगा। उस area में हम fail हुए हैं। हाँ, उसमें भी मेरे को आपके साथ थोड़ा time बिताना है। हाँ। उससे पहले एक चीज और जानना चाहता हूँ, इसी पे जब हम बात कर रहे हैं, क्या
हमारे सेक्टर ने भी इसको मान लिया कि चेस ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की है, तो वो सपोर्ट आपको सेक्टर से भी नहीं मिला कि चलिए हम चारू जी के साथ हाथ बढ़ाते हैं, एक बंदा आगे बढ़ के काम कर रहा है तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं और सारे इकट्ठे होके इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या ये मेरा कथन सही है कि ये हाँ, नहीं मिला एक्चुअली। लोग बोलते हैं कि करेंगे, हम लोगों ने करना चाहिए ये, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट ऑल टॉप एनजीओस उनके जो जो मेंबर्स और स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स सब चेस खेलने को आते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस चैलेंज, बट सबके अपने एरियाज फोकस्ड एरियाज है वगैरह, तो सब मिलके एक एक्टिविज्म हुआ नहीं है। बट आई थिंक वो बोलने के लिए कि बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया नहीं है, आई थिंक इट्स अवर फेलियर दानिश जी, वी कुडंट ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर एंड डिड दैट एक्टिविज्म इफेक्टिवली। बट आई थिंक टाइम हैज कम दैट वी नीड टू स्टार्ट, एंड ऑफ कोर्स यूजिंग योर प्लेटफॉर्म वी कुड यू नो श्री गणेशा करते हैं, और अभी आई थिंक यू नो बोल्ड होके बात करने को शुरू करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इट्स नॉट ओनली ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। दानिश जी, मैं आपको ऐसे भी केस स्टडीज बता सकता हूँ जो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जो हैदराबाद भी कभी गए नहीं, वो पर्सन वो प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हंगेरी गया है या नेदरलैंड गया है और टॉप 10 में आया है। तो इसमें जो प्लेयर्स है जो जो उनके पिताजी फार्मर हैं, स्ट्रगल वेरी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बट इतना एक्सट्रीमली टैलेंटेड चेस प्लेयर्स हमारे पास है। बट यू नो जस्ट बिकॉज दैट क्वेश्चन कम्स कि मैं चेस परस्यू करूं कि मेरा बिल्कुल प्रोफेशनली मैं बिल्कुल सेवल करूं, तो चेस में जब प्रोफेशन करने को नहीं मिलता है तो लोग बेसिकली मूव एंड देन इंडिया लूज दोज टैलेंट, वो जब देखते हैं ना उससे बड़ा दुख दानिश जी कुछ नहीं है। तो आई थिंक बिल्कुल यू नो वी नीड टू 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 डू दोज एक्टिविज्म, इट इज रिक्वायर्ड टू गो एंड कलेक्टिव फाइट विद एक्टिविज्म। गवर्नमेंट, आई थिंक वी नीड टू डू। अभी तक हम लोग सिर्फ पोलाइटली सब कर रहे थे, बट टाइम हैज कम दैट वी नीड टू बैंग दिस स्ट्रांगली टू एटलीस्ट गिव जस्टिस टू द नेक्स्ट जनरेशन। या पीआर पे थोड़ी बात करते हैं, ये मार्केटिंग पे, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर की प्रॉब्लम है। ये इवन हमारे जो गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है उसकी भी प्रॉब्लम है, और ये मैं उनके उनको भी कई बार बोल चुका हूँ, और ये मैं इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और इस शो के माध्यम से फिर मैं गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहा हूँ और अपने सेक्टर को भी एड्रेस कर रहा हूँ। सर ये बताएं कि ठीक है, मीडिया का जो रवैया है वो हम जानते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, बराबर। लेकिन आजकल उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम हमेशा रोते रहें उससे बात बनेगी नहीं, हमें स्टेप अप करना पड़ेगा, आगे बढ़ना चाहिएगा, जो ऑल्टरनेटिव मीन्स है उसको अपनाना पड़ेगा। हर जगह एब्सोल्युटली पे पेड पीआर है, जैसे हमने बात की, जैसे आपने भी बात राइट की। हम जब इतने बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप करवा रहे हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सबकी प्रॉब्लम है और मैं सबको बोलता हूँ, हम उसके ऊपर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना भी बनता है खर्च देते हैं, लेकिन उसका 2% भी हम मीडिया के लिए नहीं रखते हैं कि उसको पीआर करे, जबकि हम सबको मालूम है कि भाई पीआर के बिना बात बनेगी नहीं। आजकल जो दिखता है वही बिकता है, कॉरपोरेट भी उसी को आता है आगे, जो उनको दिखता है, उनको लगता है कि उनकी भी टीआरपी बढ़ेगी, उनका रिकॉग्निशन होगा, तो उस तरीके से बढ़ता है। तो ये जब गवर्नमेंट को मैं कहता हूं, तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूं आप कितनी अच्छी स्कीम्स बना लो सर, आप कितनी भी अच्छी स्कीम्स बना लो, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी उसका कोई फायदा नहीं है सर, वो आपके पास ही पड़ा कवर, आप पढ़ते रहो, अपने आप को देते रहो। तो ये पीआर पे जो माइंडसेट है हमारा एनजीओ वाला कि हमने पैसा खर्चना नहीं है, हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो ये जेन्युइन है, क्योंकि हम लोग डोनेशन पे अवेलेबल होते हैं और ये एक एक पैसा जब जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन क्योंकि ये अब समय की डिमांड है, तो क्यों हमारा माइंडसेट वही है कि हम नहीं खर्चेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ये जो ऑलवेज मेरा है ना दिल में और मन में ये फाइट होते रहता है, टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला, ये टूर्नामेंट में भी हमको सिर्फ 1/3 अमाउंट ही मिला, हमको हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज करने पड़े, और ये कॉमन सिचुएशन है, हम लोग कोई भी एक इनिशिएटिव लेते हैं तो ये स्ट्रगल होता है। अभी सिचुएशन जब आप जैसे कहा कि
समझो हम लोगों ने नेशनल टूर्नामेंट प्लान किया, 10 लाख बजट है, चलो वी विल कीप सम अमाउंट फॉर पीआर। अभी जब हमको रिसोर्सेज कम मिलते हैं, अभी मुझे 1000 रुपीज मेरे पास है, मैं 1000 रुपीज का एक चेसबोर्ड में मेरे प्लेयर को, जिसको जो प्लेयर है लेकिन उसके पास खुद का चेसबोर्ड नहीं है, मैं उसको दूं या वो 1000 रुपीज में मार्केटिंग के लिए करूं? ये जब मेरे मन में स्ट्रगल चालू होता है ना, तो ऑलवेज यू नो माय माइंड एंड माय हार्ट टेल्स दैट यू नो दैट 1000 रुपीज शुड गो टू दैट प्लेयर, लेट हिम गेट दैट बोर्ड, लेट हिम स्टार्ट प्लेइंग इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। नाउ इसमें दूसरी थॉट प्रोसेस भी है, बहुत लोगों ने मुझे एक्सप्लेन की, ये 1000 रुपीज जो मैं मार्केटिंग को खर्चा करता हूँ, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे गेट 5000 एंड आई कैन बेसिकली गिव 5 बोर्ड्स टू द प्लेयर। तो ये जो डायलेमा है, ये डायलेमा ने मुझे बहुत झंझोड़ के रखा है दानिश जी अभी तक, कि क्या करे, क्योंकि हर एक रुपया सही चीजों जगह पे जाना चाहिए, ये फिलोसॉफी थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब तक लोगों को दिखेगा नहीं, लोग और लोग हैं जो सपोर्ट करना करना भी चाहेंगे, लेकिन जब वहां तक हम लोग पहुंचेंगे नहीं तो हमको सपोर्ट मिलेगा नहीं, और उनको तब तभी पहुंच सकते हैं जब हम लोग अच्छी तरह हमारे इवेंट को ब्रांड करें और मार्केट करें। तो ये डायलेमा से ही हो गया, लेकिन अभी ये टूर्नामेंट को हम लोगों ने सोचा था कि वी विल डू दिस वेरी गुड मार्केटिंग, बट एंड ऑफ द डे हमको ये टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए पैसा नहीं मिला, तो हम वेयर वी विल स्पेंड ऑन पीआर। सो एंड ऑफ द डे क्वेश्चन कम्स वेयर यू नो द रिसोर्सेस फॉल शॉर्ट यू नो। पर कई जगह तो माइंडसेट भी है, कई लोगों के पास पैसा भी है लेकिन माइंडसेट अभी वही है कि हमें खर्चना नहीं है, हम कुछ भी कर ले। क्योंकि दैट इज नॉट ट्रू, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं है। लोग अभी 10 लोगों को मालूम पड़ेगा कि ब्लाइंड चेस खेलता है, अवेयरनेस है, मालूम पड़ेगा, अवेयरनेस है। हाँ, स्टूडेंट्स को स्टेम एजुकेशन देगा तो उनका करियर अलग है, ये जब लोगों तक पहुंचेगा तो ही हम लोग इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते। तो इट्स नॉट दैट कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उनकी इनिशिएटिव करती है तो उनके पब्लिसिटी के लिए, दिस मनी और मार्केटिंग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एजेंडा शुड बी टू क्रिएट दैट अवेयरनेस एंड देन गेट दोज सपोर्ट विच इज इन काइंड एंड गेटिंग दिस माइंडसेट चेंज एंड गेट दैट चेंज इन दिस जनरेशन ऑफ माइंडसेट एंड देन द अप्रोच टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटी। उसके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दानिश जी, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। और आई थिंक ये माध्यम से मैं सारे एनजीओ जो अलग अलग कॉज पे काम करते हैं, आई थिंक टाइम हैज कम दैट यू नो इफ यू रियली वॉन्ट्स टू ब्रिंग दैट चेंज। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि 2047 में वी वॉन्टेड टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, सो हमें भी डिसेबिलिटी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके यू नो वी नीड टू ब्रिंग दैट इक्विटेबल दिस। आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो चेंज अवर अप्रोच एंड यू नो लुक एट डिफरेंट एवेन्यूज एंड वेज drive our initiatives. So we will reach out to every individual of our country, and everybody knows that you know the challenges, limitations, the possibilities for people with disabilities, and how they individually or you know group could support and then create that inclusive environment where we create that equitable world for our community. मेरे पास सारी एनजीओ आती है हमारे शो प्रमोट करो, मैं उनको कहता हूँ कि एक जिंगल बनाना पड़ेगा, तो जो जिंगल बनाएगा उसको आई हैव टू पे, तो वो 2000 रुपया लगेगा, एंड यू विल बी शॉक्ड पीपल सेज 2000 रुपीज, हैव यू गॉन क्रेजी, 2000 नहीं आप फ्री वाला कर दो जितना होता है। नहीं इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। हम तो वैसे भी करेंगे, हम तो कम्युनिटी के लिए हम तो करेंगे अपनी ओर से जितना होता है ना, इट्स नॉट अबाउट मनी। तो जी सर ये बताएं अब कि जैसे आपने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, अब जो चेस के बहुत टैलेंटेड लोग हैं वो एक स्टेज पर आके डायलोमा में आ जाते हैं कि भाई अब हमें जॉब तो चाहिए, अब घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, रोटी तो उनको भी खानी है, तो चेस में अभी तक वो दिखते हुए दिख नहीं रहा कि हमें जो बाकी प्लेयर्स को रिकॉग्निशन या अवार्ड मनी है वो मिलेगी एज ए करियर, वेदर वी कैन परस्यू और नॉट, तो उसमें बहुत सारे लोगों का जाना स्वाभाविक है। तो इस प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे टैलेंट वी आर लूजिंग यू नो एट दैट एग्जैक्टली
तो ये क्या मतलब किया जा सकता है, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं कि आखिर गवर्नमेंट जो रिकॉग्निशन क्यों नहीं दे रही, प्रॉब्लम्स क्या है? गवर्नमेंट या इसमें सिर्फ दो ही चीजें करनी है। गवर्नमेंट ने इस गेम को रिकॉग्नाइज करना है एंड जो भी वर्ल्ड टूर्नामेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनके जीआर में ब्लाइंड चेस को डाल देना है, तो उनको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलने को शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है? मुझे जो रिस्पॉन्स मिला डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तभी, दैट यू नो वी हैव वन गेम वन फेडरेशन, चेस के लिए साइटेड को दिया है तो आपको अलग से मिल नहीं सकता है, आप पैरा 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 ओलंपिक को ज्वाइन करो, पीसीआई को, लेकिन हम लोग पैरा ओलंपिक को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि पैरा ओलंपिक का इंटरनेशनल बॉडी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक है, हमारा इंटरनेशनल बॉडी इंटरनेशनल बेल्ट, बोथ आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज चेस इज नॉट एन ओलंपिक गेम। जैसे साइटेड की फिडे एक अलग वर्ल्ड बॉडी है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन अलग बॉडी है, लेकिन साइटेड का चेस का एक पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वैसा ब्लाइंड का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जो साइटेड से इंटीग्रेटेड है। तो हम लोगों ने उनको वही कहा था कि जब ये गेम को स्पेशली रिकग्नाइज किया है बिकॉज ऑफ इट्स रिलीवेंस बाय मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एंड इवन अमेरिका एंड ऑल, तो इंडिया में भी इस गेम को रिकग्नाइज आपने करना चाहिए। हम लोगों ने वो भी ऑप्शन दिया था उनको कि इफ यू वॉन्ट टू पुट अस अंडर AICF, जैसे BCCI क्रिकेट का है, बट यू नीड टू बेसिकली हैव टू डिफरेंट दिस, आपका बजट सपोर्ट और जो भी होगा उसको अनेक्षर वन अनेक्षर टू करना चाहिए, क्योंकि आप उनके बजट में या उनके प्लान में लॉन्ग टर्म प्लान में डालोगे तो प्रायोरिटी ऑलवेज मेन स्ट्रीम चेस होगी, हमको हमारा मिलेगा ही नहीं। इसलिए आज तक हम लोगों ने हमारे सारे बजट उनको सबमिट किए बट वी हैव नेवर गॉट सपोर्ट फॉर एनीथिंग, बट गवर्नमेंट इज यू नो कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस। सो द ओनली वे दिस कुड चेंज वेयर गवर्नमेंट कैन रिकग्नाइज द गेम ऑफ चेस, दे पुट दिस चेस इनटू जीआर एंड रिकग्नाइज ऑल ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स द वे दे रिकग्नाइज द पैरा गेम्स, एंड देन द ब्लाइंड प्लेयर्स विल गेट दिस स्पोर्ट्समैन स्टेटस एंड देन दे विल गेट जॉब्स ऑल्सो एंड दे कुड पिकअप दिस एज अ करियर। तो दिस इज वर्ल्ड वॉट में, इज वेरी इंपॉर्टेंट है। जी वर्ल्ड में क्या स्टेटस है, क्या वर्ल्ड में जो ब्लाइंड लोगों को रेकॉग्नाइज किया जाता है चेस में, क्या उनको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलती है, वहां पे क्या है? तो जैसे मैंने कहा यूरोप में तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने ब्लाइंड चेस को एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है उनके नेशनल बॉडी को, और कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं कि वो प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स को कंट्री पूरा सपोर्ट करते हैं, सो दे नीड नॉट रिक्वायर टू वर्क, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे रशिया है, पोलैंड है और जो कंट्रीज है उनके उधर गवर्नमेंट उनको ओन करती है, उनको कोचिंग से लेके उनका लाइवलीहुड का एवरीथिंग गवर्नमेंट टेक्स केयर एंड दैट प्लेयर हैज टू जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स, वहां तक की फैसिलिटीज चेस के लिए कुछ कंट्रीज ने दी हुई है, और कुछ कंट्रीज जहाँ गेम को रिकग्नाइज किया है वहाँ स्पोर्ट्स कोटा में उनको जॉब मिलता है, दे गेट ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, इवन ये कंट्रीज पार्टिसिपेट करने को आते हैं तो उनकी एम्बेसीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, देयर एम्बेसीज गेट इन्वॉल्व, सो दे नो दैट देयर कंट्रीज प्लेयर्स आर कम हियर, दे गो बैक, सम कंट्रीज के एम्बेसी के लोग यहाँ आके उनके प्लेयर्स को मिलते हैं, विश करते हैं, बट हम लोग जब खेलने को जाते हैं हमारे एम्बेसी का कोई भी आता भी नहीं। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, सो ये सारी सारी चीजें हैं मोटिवेशन के लिए, बट फंडामेंटल थिंग इज दिस गेम नीड्स टू बी रिकग्नाइज, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड नीड्स टू बी रिकग्नाइज, गेम शुड बी रिकग्नाइज, गेम शुड बी एडेड इन टू जीआर, और हमारे जो इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलम्पियाड जो भी ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं जो फिडे के अंडर आते हैं उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, तो हमारे प्लेयर्स को अवार्ड्स मिले, जो गवर्नमेंट्स के जो सपोर्ट्स मिलता है वो मिले, और फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो भी वैकेंसीज निकलती है उसमें उनको जॉब भी मिलेगा, तो पीपल कैन टेक दिस एज अ करियर। व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, क्या लीगल ऑप्शन भी ली जा सकती है इसमें, क्या कुछ ऐसा आपने कभी किसी एक्सपर्ट से बात की कि क्या एक्चुअली लीगल? बहुत लोगों ने मुझे क्या ना लीगल का ऑप्शन सजेस्ट किया था, बट आई डोंट नो दानिश, अगेन आप मुझे ही ब्लेम करोगे, मुझे मेरा वो एक अगेन एक बिलीव था कि गवर्नमेंट भी हमारा ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज नॉट समथिंग डिफरेंट, एंड गोइंग एंड फाइटिंग एंड शोइंग यू नो दैट
we are adversities to that. Is it a right way to do that? और एक बार है ना ऐसा फाइट करके कुछ लेता है उसका कितना वैल्यू रहता है वगैरह पता नहीं, बट दैट ऑप्शन ऑल्सो हैज बीन गिवन. सो ऑफकोर्स बट एक बार अभी लिमिट क्रॉस होने को शुरू हुआ है, सो वी वॉन्टेड टू बेसिकली गिव वन मोर ट्राई, एंड इफ नॉट देन आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन रिमेन विथ अस. बट शुड वी डू दैट और नो, आई डोंट नो. पीपल लाइक यू शुड सजेस्ट एंड गाइड अस. बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एम्पथाइज करके गवर्नमेंट को सी, मेरा हम लोग का रीच भी नहीं है, हम लोग को हम बॉम्बे में बैठते हैं उधर बार बार आके मिलना वगैरह सब. इफ समबडी कुड बेसिकली इन दिल्ली एंड समबडी कुड बेसिकली ऑल्सो एटलीस्ट पुट अप दैट वर्ड एंड मेक देम रियलाइज थिंग मे हैपन. इफ नॉट देन आई थिंक वी शुड गो एंड टेक दैट पाथ. दैट इज द ओनली पाथ, यू नो. इट इज अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन, सो दैट लास्ट रिसोर्ट वी नीड टू टेक. तनिष सर, मेरे लिए तो यहाँ बैठ के नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है यहाँ बैठ के सवाल करना, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कई चीजें देखनी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, और जो आप कह रहे हैं वो भी एक जगह पे बड़ा सही है कि जो चीज कंसल्टेंसी से हो जाए उससे बढ़िया क्या है. तो ये यू हैव टू गिव अ डीप थॉट. तो आई एम श्योर कि आपका एक्सपीरियंस मेरे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, जो भी आप डिसीजन लेंगे अच्छा ही लेंगे. एक चीज और लिसनर्स के लिए समझना चाहता हूं कि इंडिया में जो नॉन डिसेबल चेस प्लेयर हैं उनके लिए क्या रिकॉग्निशन है, उनको सब फैसिलिटीज मिलती हैं एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स? यस, ब्लाइंड चेस के लिए सारी फैसिलिटीज मिलती है. अभी आपने सुना होगा हमारी टीम इंडिया की ओलंपियाड में चेस का एक अलग ओलंपिक होता है, जैसे हमारा ब्लाइंड का होता है वैसा साइटेड का भी चेस ओलंपिक होता है. वहाँ इंडिया की टीम गोल्ड मेडल जीत के आई फर्स्ट टाइम. प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया, अभी उनके लिए वो सब अवार्ड्स अनाउंस हो जाएंगे वगैरह. और गवर्नमेंट जैसे सारे प्लेयर्स को हमारे इंटरनेशनल जाने के लिए पार्टिसिपेशन के लिए सपोर्ट करती है, उनका ग्रांट लॉन्ग टर्म के लिए करोड़ में उनको ग्रांट्स मिलते हैं. एवरीथिंग बेसिकली द मेनस्ट्रीम चेस गेट एंड आई थिंक दे शुड गेट व्हाट द मेनस्ट्रीम चेस हैज डन. आप देखो आनंद ने जब फर्स्ट टाइम ग्रैंड मास्टर बने और वर्ल्ड चैंपियन बने तब से इंडिया का चेस मेनस्ट्रीम चेस चेंज हुआ और आज हम लोग टॉप कंट्री है वर्ल्ड में. तो साइटेड चेस ने भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस और अचीव किया है. तो दे डिजर्व व्हाट गवर्नमेंट गिविंग देम, तो दे गेट एवरीथिंग. अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड चेस डजंट. सो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स में दो पार्ट्स हैं. एक जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग का 10 साल का नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, उसमें हम लोगों ने इंडिया में अक्रॉस इंडिया एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं. हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं जिसमें कोई भी सिटी में कोई भी विलेज में कोई चेस प्लेयर होगा वो अपने घर से इस इकोसिस्टम को ज्वाइन कर सकता है. तो हम लोग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म, देन जो दी इंडिविजुअली आपको गेम स्टडी करने के लिए जो गेम एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बनाने को शुरू किया है. चेस को कन्वर्ट बुक्स में कन्वर्ट करके ऑनलाइन ग्लोबल लाइब्रेरी जो वर्ल्ड की, क्योंकि सिर्फ इंडिया में बना के नहीं चलेगी क्योंकि काफ़ी बुक्स वर्ल्ड में अवेलेबल है, तो एक वर्ल्ड की एक लाइब्रेरी बनाने की. तो ये सारे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने प्लान किए हैं. उसके साथ जैसे उड़ान हमारा सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग उड़ान को नेक्स्ट 5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं. इंडिया के लिए जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है वैसा हम लोग ब्लाइंड चेस लीग को कंसेप्चुलाइज कर चुके हैं. उसका ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन जो कंपनी उस टीम को ओन करेगी उसकी पूरी कोचिंग वो लोग, क्योंकि उनका टीम का परफॉर्मेंस तो उसके कारण भी इंडिया का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. तो अगले 10 साल के लिए हम लोगों ने वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बिल्ड की है होलिस्टिकली. और वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा और ये इनिशिएटिव्स जब एग्जीक्यूशन को स्टार्ट होंगे तो कोई भी पर्सन ब्लाइंड पर्सन है जिसको चेस सीखना है उसको सिर्फ इकोसिस्टम में जिधर भी हो है, हुक होना है उसको इक्विपमेंट के साथ कोचिंग के साथ he will get integrated into blind chess. इसको tournament available हो जाएंगे. he will be basically fully integrated and his journey
तो उसका जो भी एम्बिशन होगा, जो बनना है उसके लिए जो है पूरे जर्नी में एवरी स्टेज पे डिफरेंट लेवल पे सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो कोचिंग प्रोग्राम्स हैं वो भी अलग अलग लेवल पे है। तो द प्लेयर्स बिटवीन 1000 to 1400 के लिए अलग कोचिंग प्रोग्राम है, 1400 to 1600 अलग है, 1600 to 1800 अलग है, 1800 to 2000 अलग है, टू अबाउट 2000 अलग है। सो वेन यू बेसिकली ग्रो इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड गो फ्रॉम वन लेवल, सो वी बेसिकली कॉल दिस एज अ फ्रेमवर्क ए बी सी डी ई एफ। सो हम लोग ये प्लेयर्स को छह कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ये छह कैटेगरी की टूर्नामेंट भी अलग होगी। तो प्लेयर्स प्लेइंग इन एफ, उनका एम्बिशन होगा कि मुझे ई में जाना है, तो एफ के अलग अलग टूर्नामेंट होंगे, उससे परफॉर्मेंस से प्लेयर्स ई में जाएगा। ई में कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगा, ही विल कम बैक टू एफ। सो प्लेयर फ्रॉम एफ टू ई, ई टू डी, डी टू सी, ऐसे ग्रो होते जाएगा, एंड उस प्लेयर को भी मोटिवेशन मिलेगा कि यस आई एम मूविंग अहेड। सो दिस वे वी विल मेजर एंड मॉनिटर आवर स्टैंडर्ड ऑल्सो, नंबर वन, एंड वी कुड बेसिकली गिव वेरी स्पेसिफिक सपोर्ट, बिकॉज एवरी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेयर रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट। सो वो सपोर्ट को भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं और स्टार्ट भी किया है कुछ लेवल पे, वो करेंगे हम लोग। एंड उसके बाद आप देखिए, मीन्स है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, हम लोगों ने 3 साल का टारगेट रखा है, नेक्स्ट 7 ईयर्स यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन ब्लाइंड चेस। ओनली थिंग इज फॉर क्रिएटिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर विल रिक्वायर ह्यूज मनी, सो नाउ अभी हम लोग फ्रीलांस से ही सपोर्ट लेके कर रहे हैं, बट दिस इज वेरी एम्बिशियस एंड यू विल, ये पूरा स्ट्रैटेजी मैंने अपने आपको एक्सप्लेन किया, आज तक किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री ने ऐसा स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं किया है और एग्जीक्यूशन नहीं किया है। सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एंड दिस कुड बी अ केस स्टडी फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर द ब्लाइंड चेस बट इट विल बी फॉर द मेन स्ट्रीम ऑल्सो, कि दिस इकोसिस्टम कुड बी रिप्लीकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड क्रिएट दैट इकोसिस्टम फॉर ब्लाइंड चेस एंड फॉर इवन फॉर द मेन स्ट्रीम चेस। तो ये मेरा एक लाइफ का एक लास्ट एम्बिशन है, क्योंकि अभी मेरा भी एज 56 है, देर इज लिमिट फॉर मी टू हाउ फिजिकली आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट। तो मैं एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके जाना चाहता हूँ कि उसके बाद कोई भी पर्सन कोई इंडिविजुअल के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड ना रहे, जैसे हमारे इंडिविजुअल सपोर्ट, इंडिविजुअल लोगों हम लोग सपोर्ट करते हैं तभी लोग प्लेयर्स आगे आते हैं। दिस इकोसिस्टम बेसिकली शुड टेक केयर ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ प्लेयर। एक बार उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ और ही जॉइंट, देन उसका एम्बिशन फुलफिल करने के लिए इकोसिस्टम में एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट सिस्टम, कोचेस, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग विल बी प्लेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ टूर्नामेंट, एवरीथिंग शुड बी सिंक्रोनाइज एंड यू नो प्लेयर विल बेसिकली ड्राइव हिज जर्नी एज पर हिज टैलेंट, हिज कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, ही कुड बेसिकली गो टू दैट लेवल। एक बार वो क्रिएट कर देंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ तो लाइफ चीज के लिए किया। और मैंने सर आपने बहुत कुछ किया है, तो वो नोबडी कैन टेक फ्रॉम यू नो, नोबडी कैन टेक फ्रॉम यू। तो ये बताएं अब कि आपने बताया कि YouTube पे भी लाइव चल रहा है, तो कैसे लोग सुन सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो चेस में आना चाहते हैं और जो लोग मायूस होके जा रहे हैं, उन सबको आपका क्या मैसेज रहेगा? और साथ ही साथ अगर कुछ आप कहना चाहें जो मैंने आपसे नहीं पूछा तो वो बात भी आप रख सकते हैं। हाँ, तो YouTube पे तो अभी हम लोग गेम लाइव नहीं कर रहे, ये गेम इंटरनेट पे लाइव होता है, एक अलग टेक्नोलॉजी है। ओके। एक डिजिटल बोर्ड होता है जिसपे मुंह होते हैं और वो मुंह वेबसाइट पे लाइव होता है, तो आप वेबसाइट पे जाके वो गेम को फॉलो कर सकते। कौन सी वेबसाइट है वो? वो अपना ASAB की वेबसाइट पे उसका लिंक है और ये डिजिटी का एक अलग से वेबसाइट है, मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने ऑडियंस को सबको भेज देना होली। बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जी। हाँ, डिस्क्रिप्शन में बाद में आप शेयर कर दीजिए। तो ये गेम लाइव आप उसमें जाके देख सकते हैं। और आई थिंक सारी बातें हम लोगों ने की है, सिर्फ प्रे करना हमारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो, और जो जिस इवेंट में अभी तक हम लोगों ने मेडल मिला नहीं है, ये एक ही इवेंट ऐसा है जिसमें हमको मेडल मिला नहीं है, तो ये भी मेडल कंप्लीट हो जाए। एंड जैसे आपने कहा कि हमारे सामने अलोंग विद दिस जो एम्बिशन मैंने बोला कि क्रिएटिंग दिस इकोसिस्टम, उसके साथ ब्लाइंड चेस का एक अवेयरनेस हो, एक बड़ा मार्केटिंग प्लान बने, हमें भगवान स्ट्रेंथ दे और हम लोग वो करें,
और गवर्नमेंट शुड प्ले देयर रोल एंड आई थिंक एवरीबडी कम फॉरवर्ड एंड बेसिकली सपोर्ट दिस गेम विल शो दैट यू नो इंडिया विल बिकम नंबर वन. सो सबका ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स चाहिए. और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चेस इज नॉट जस्ट स्पोर्ट फॉर ब्लाइंड. इट्स ए लर्निंग टूल. इट इज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट चेस हेल्प इन इम्प्रूविंग द लाइफ स्किल्स जैसे एनालिटिकल एबिलिटीज, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस. ये सब चीज़ें हमको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होती है. वो चेस में बिल्ड होता है. ये साइंटिफिकली प्रूव है. इसे ब्लाइंड के लिए नहीं, सारे सबके लिए. तो चेस एक एज ए लर्निंग टूल भी यूज हो सकता है. और दूसरा, यूएस में सर्वे हुआ था कि जो बच्चे चेस खेलते हैं उनका परफॉर्मेंस वर्सेस द प्लेयर्स द स्टूडेंट्स वर नॉट प्लेइंग चेस, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस. सो चेस प्लेयर का एकेडमिक परफॉर्मेंस इज फास्टर, इम्प्रूविंग फास्टर दैन एनी अदर, स्पेशली इन द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल स्पेस. तो ये एक बेनिफिट्स है, वो बहुत जरूरी है हमारे ब्लाइंड चेस प्लेयर्स के लिए. अलॉन्ग विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दैट हमको एक सेल्फ बिलीफ मिलता है कि हम लोग साइटेड के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं शोल्डर टू शोल्डर एंड देन इट हेल्प अस टू बिल्ड दिस लाइफ स्किल्स. तो ये जो बेनिफिट है दिस इज बियॉन्ड स्पोर्ट्स. तो मेरा सबको एक ही कहना है कि हर एक पर्सन ने चेस का जो फंडामेंटल कोर्स है वो सीखना ही चाहिए एटलीस्ट टू गेट बिल्ड दिस लाइफ स्किल्स. उसके बाद आपको प्रोफेशनली स्पोर्ट्स लेना है नहीं लेना है, बट इतना तो हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनके ये लाइफ स्किल्स इंप्रूव हो और उनको एक बिलीफ मिले कि दैट वी आर यू नो इक्वल टू वर्ल्ड प्रोवाइडेड वी एंटर इनटू द एरिया वेयर आवर स्ट्रेंथ कैन बी लिवरेज एंड देन दे कुड डू वंडर्स इन देयर लाइफ. तो ये एक हमारी जिम्मेदारी है सबकी कि हमारे सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो चेस का फंडामेंटल कोर्स करे, नॉट एज अ स्पोर्ट बट यूज एज अ लर्निंग लर्निंग टूल. और उसके बाद जिसको भी चेस में इंटरेस्ट होगा दे कैन बेसिकली गेट गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड गेट इनटू इट. दानिश थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट. और आपका टूर्नामेंट, हमारा टूर्नामेंट ये सक्सेसफुल रहेगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है. जब आप इन्वॉल्व हैं तो आगे भी इसी तरह भारत रिप्रेजेंट करे और जिस टूर्नामेंट में मेडल नहीं आया वहाँ भी आए और ईश्वर आपको शक्ति दे. और जो एक बड़ा काम आपने लिया है कि इसको रेकॉग्नाइज करवाना, तो उस दिशा में भी गवर्नमेंट को भी भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे कि वो इसको रेकॉग्नाइज करे और बहुत सारे लोगों का करियर इसमें बने. तो हमारी शुभकामनाएं. रेडियो उड़ान इज ऑलवेज विद यू. पहले भी हमने जब भी आपके रेडियो की भी बात हुई थी तो वही सपोर्टेड हमेशा की तरह. आपने जो सपोर्ट किया है वो एक्सेप्शनल है एंड आई रियली थैंक यू टू यू बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड आई वांटेड योर सपोर्ट इन फ्यूचर आल्सो फॉर ब्लाइंड. एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो लिसनर्स, आज बात की हमने चारुदत्ता सर से, जिन्होंने चेस के फ्यूचर के बारे में बताया, किस तरह से हम गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन ले सकते हैं, किस तरह से आप लोग अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, चेस के क्या बेनिफिट्स हैं, हौसला बढ़ाएं जो प्लेयर जीत रहे हैं. जब भी हमारे प्लेयर, ब्लाइंड प्लेयर जीत के आते हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करें, ट्वीट करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस गेम को उसका ड्यू मिले, उन खिलाड़ियों की मेहनत को उनका ड्यू मिले. अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ. दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा. थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट. अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल. और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 08826261166 पर. मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे?